हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस और मैं हूं नीरज। तो यहां पर आज हम वीडियो लेके आए हैं लेबनान के बेरूत में हुए ब्लास्ट पर। तो चलिए देखते हैं कि मिडिल ईस्ट की कंट्री है ये बेरूत, और यहां पर ये एक बंदरगाह भी है, और यहां पर अमोनियम नाइट्रेट के 2750 टन वेयरहाउस में रखे हुए सामग्री में विस्फोट हो गया है। अब देखिए इसका हिस्ट्री देखें तो हम यहां पर ये देखते हैं कि एक्चुअल में ये अमोनियम नाइट्रेट यहां पर आया कैसे। तो देखिए, जॉर्जिया से ये एक रशियन शिप था जो अमोनियम नाइट्रेट लेकर आ रहा था। अब ये अमोनियम नाइट्रेट लेकर आ रहा था तो जब ये बेरूत बंदरगाह पे आया तब वहाँ पर इसकी चेकिंग हुई और कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हो गई जिसकी वजह से इसे रोक लिया गया और वहीं पर इस अमोनियम नाइट्रेट को जब्त कर लिया गया। हालांकि इसे जाना था मोजाम्बिक तक। अब क्या हुआ कि जब इसे जब्त किया गया तो 2013 से ये वहीं पर वेयर हाउस में रखा गया था, और वहाँ के ऑफिशियल्स बार बार वहाँ की जुडिशरी को कह रहे थे कि ये जो हमने स्टोक कर रखा है 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट, ये सेफ नहीं है, इसे सेफ जगह पर ले जाया जाए। पर इस बात पर 6 साल से कोई ध्यान नहीं दिया गया और अचानक से विस्फोट हो जाता है शाम को 6 बजे। तो देखिए, अमोनियम नाइट्रेट में ऐसा क्या होता है कि जो विस्फोट हो जाता है? तो अमोनियम नाइट्रेट क्या है कि फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ होने वाला एक एजेंट है। ये खुद से ज्वलनशील नहीं होता है जब तक कि ये डायरेक्ट हीट के एक्सपोज में नहीं आ जाता। अब वेयरहाउस में ऐसा क्या हुआ कि इसमें विस्फोट हो गया? तो यहाँ पर जो टेक्निकल एनालिटिक टीम है वो ये बता रही है कि जो अमोनियम नाइट्रेट एक जगह रखा हुआ था वहाँ पर किसी वजह से हीट ज़्यादा बढ़ गई, और हीट बढ़ने के कारण अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट होने लग गया, और मेल्ट होने के कारण इससे कई ज्वलनशील गैसों का रिसाव हुआ और उन ज्वलनशील गैसों ने आग पकड़ी और विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के बाद एक चेन रिएक्शन बन गई। विस्फोट से निकली हुई गर्मी ने बचे हुए अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट किया और इस तरह से ये पूरा का पूरा 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट हो गया। अब ये विस्फोट इतना खतरनाक था कि यहाँ से 250 किलोमीटर दूर जो साइप्रस देश है वहाँ तक इस धमाके की आवाज़ सुनी गई। CNN ने जो सैटेलाइट से इमेज ली है और उसमें ये बताया है कि इस विस्फोट के कारण 450 फिट डायमीटर का एक गड्ढा बन गया है उस जगह पर। देखिए, 450 फिट मतलब आप फुटबॉल ग्राउंड की लेंथ की बात कर रहे हैं लगभग। यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा बन गया, तो इतना ज़बरदस्त ये विस्फोट था। और विस्फोट के कारण क्या हुआ है कि आसपास की बिल्डिंग्स पूरी तरह से यहाँ पे नष्ट हो गई हैं। पहले ही ये देश COVID-19 के कारण अस्पतालों में जो बेड थे वो समस्या हो रही थी। अब यहाँ पर क्या है कि मलबा सड़कों पर आ गया है, इसके कारण एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है, तो लोगों का जहाँ पर इलाज किया जा रहा है सड़कों पे लेटा के इलाज किया जा रहा है, मतलब फैसिलिटी नहीं हो पा रही है कि कैसे सड़क उनको अस्पतालों तक ले जाए, और अस्पताल खुद इसमें क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर 1975 से 1990 की सिविल वार के बाद सबसे ख़राब इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं। और एक ख़ास बात और है यहाँ पर कि जो बेरूत बंदरगाह था यहाँ से ही जो लेबनान की राजधानी थी वो सारा खाद्यान्न सामग्री को आयात करती थी। अब ये बंदरगाह ही नष्ट हो गया है तो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी का संकट उत्पन्न हो गया है आने वाले समय में, और यहाँ के ऑफिशियल्स के हिसाब से 3 लाख लोगों के घरों को इतनी क्षति पहुंची है कि अगले 1 महीने के लिए उनके पास रहने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाएगी। और जो मौत का आंकड़ा आ रहा है वो तो आ ही रहा है 200 से 250 के बीच में, हालांकि ये और भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर लापता है। तब अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, अमोनियम नाइट्रेट की खास बात क्या है? तो देखिए, अमोनियम नाइट्रेट जब मेल्ट हो जाता है या हीट के एक्सपोज में आता है तब इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया गैस निकलती है जो कि काफ़ी जहरीली होती है, और इसका प्रभाव भी वहाँ पर देखा जा रहा है। इसके साथ ये फर्टिलाइज़र एजेंट है, पर ये बात इसमें श्योर कही जाती है कि ये खुद से विस्फोट नहीं होता जब तक कि इसको हीट का एक्सपोजर ना मिले। और ये विस्फोट ऐसी जगह हुआ है जो कि यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ के रफीक हरेरी की बॉम्ब ब्लास्ट में यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। साथ में ही बेरूत जो लेबनान गवर्नमेंट है उन्होंने $55 मिलियन का यहाँ पे एक पैकेज जारी किया है राहत पैकेज के लिए। पर इस देश के अंदर फूड सिक्योरिटी का जो संकट है उसके लिए अब किस तरह से यहाँ पर सुविधाएँ पहुँचाई जाएगी उसके लिए हवाई सेवा की मदद ली जाएगी। यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर अपने लगभग 1000 फायर फाइटर भेजे हैं। तो देखिए, इस तरह से अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट पहली बार नहीं हुआ है, हालांकि अमेरिका में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, पर वो घटनाएं ऐसी जगह हुई है जहां पर उनके लिए प्रॉपर वेयर हाउस थे या वो किसी शिप में जा रहा था। पर अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट से इतनी बड़ी जो जनधन हानि हुई है ये इतिहास में पहली बार हुई है, और 2750 मेट्रिक टन का जो अमोनियम नाइट्रेट था उसने 450 फिट गहरा
या डायमीटर का मैं कहूँ गड्ढा कर दिया है। तो चलिए ये थी सारी जानकारी बेरुत ब्लास्ट के बारे में, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।